हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश इसीलिए हूँ कि क्योंकि मेरे रिएक्शन जर्नी में जितना भी है रिक्वेस्टेड कमेंट्स और जितने भी डीएम्स होते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। पर मुझे ज़्यादा एमवीपी के वीडियोज़ करो वो करो ऐसे नहीं हुआ अभी तक की मेरी यूट्यूब जर्नी में। पर लास्ट 2 या 3 दिन से मेरा डीएम बॉक्स जो है इंस्टाग्राम का, डीएम इतने आ रहे हैं। हालांकि मैं अगर स्टोरी भी रख दूं या सिंपल क्यूएनए वगैरह कुछ भी, तो उसके ऊपर जो संभव के ऊपर रिएक्शन चाहिए। तो ठीक है, मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इतने सारे डीएम्स आए तो मुझे पता चल ही गया कि किसके ऊपर यह बात हो रही है। हालांकि जब भी मैं एमएवे का डिस्ट्रिक्ट आया था, तब हम कॉलेज में थे, तब भी मुझे पता चल गया था थोड़ा सा हिप हॉप के बारे में, और तभी मैंने एमएवे को देख लिया था। हालांकि और बंटाए वो सब मुझे याद था। एमएवे बंटाए की वीडियोस देखोगे तो मतलब हद से ज़्यादा कमर्शियल होती गई है। जो पहले के एमएवे थे वो अभी हमें दिखेंगे या नहीं, ये इस वीडियो के ऊपर है ही। क्योंकि डीएम्स में मुझे पता चल गया था कि ये रफ्तार और कृष्णा को रिप्लाई है, प्रॉपर डिस बीफ ट्रैक है। तो कितना ग्रिल्ड होगा, कितना बीफ होगा, कितना क्या होगा, ये तो वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया। मेरे टॉप पसंदीदा रैपर्स में एमएवे बंटा आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं ये। और दूसरी बात यह है कि मुझे कितना समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर समझा देना। जितना समझता है उतना तो ठीक है, और जितना मुझे समझता है, मैं समझ पाती हूँ उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर कहीं पे गलत हो भी जाता है तो माफ़ कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट। वेलकम पिक्चर का वो बंगलो नहीं था पहाड़ों में, वैसा लग रहा है दूर से। क्या बोलते हैं छोटे? अच्छा, ये छोटे जो है सुधरे नहीं तुम अब तक, अभी मुझे पता नहीं है छोटे रफ्तार के लिए है या फिर कृष्णा के लिए। अब किसकी बात हो रही है ये मुझे पता नहीं चले, तो पहले से देखते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? मुझे हरा ले गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करू शूट सीधा बैकअप। इन्हें लगा हुआ बंटा का रैपअप, बिच कम बैक जाके दुल्लू को भी बैकअप। मुझे हरा ले गैंग लेके आ रही है। एक मिनट, मुझे हराने के लिए लेके ये आ रहे गैंग लेके आ रहे मुझे गैंग लेके आ रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि डिस्क किसी के लिए था, बोलता कोई और है, करता कोई और है। मतलब होता है ना कि हमारी तुम्हारी बात चल रही है और सब और बाकी सारे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस, मतलब स्टार्टिंग से ही था ना कि कुछ एक वर्ड था, देखते हैं वो कम आउट टू प्ले, उसमें ही इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस। ऐसा लग रहा था कि अभी बस कोई सामने होता तो मारा मारी हो जाती। तो चलिए वहीं से देख लेते हैं। कम आउट टू प्ले, इन्हें लगा होगा कि बंटाए का रैप, मतलब वो बंदा अभी कमर्शियल करना है तो क्या है, अभी आगे बढ़ गया तो क्या ही है, हमें बोलेगा क्या ही बोलेगा। मतलब होता ना ऐसा, एक होता ना कि इंसान बोलता नहीं है, शांत होता है, तब तक बोलते ही जाते हैं। तो वैसा भी कुछ है। असल में मसल में दूंगा मैं, ठसल में बैठेला, कसम में खा रेला, बस सब मैं कर दूंगा, बस सब मैं छीनूंगा नहीं, गिना दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं। सोच इनकी बच काट, इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जचता नहीं। मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले, बच के घूम बच खाने स्वाग मेरा देश। मुझे ना वो वाली याद आई, मतलब वो वाला गाना था ना स्टार्टिंग में कि मुझ में आया क्या, तो वो वाला वाइब है। मतलब वो
वैसा वाला वाइब है, वैसा वाला अभी तक तो वैसा वाला वाइब आ रहा था, मतलब सेम टू सेम कहीं नहीं गया एमी पे, वैसे ही वाला वाइब है। ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है, इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ, मारूंगा मैं गांड, उसके बाद पूछू कैसी है, ये सब साले छोकरी है, वो भी एक टोकरी में खन्ना चुसा रहे लगा ना, ये मन्ना नहीं कर पा रहे, खतरे में नौकरी है, इन्हें लगा हुआ बंटा का रैप अप, बिच आई एम गांजा के दुल्लू कोई बैकअप, मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड खन्ना चुसारे लग गन्ना। अभी ये खन्ना कौन है अभी, मुझे नहीं लगता ये किसी एक या दो के लिए डिस्ट्रैक्ट होगा, ये खन्ना मुझे खन्ना नहीं पता चला खन्ना कौन है। सीधा बैक अप, इन्हें लगा हुआ बंटा का रैप अप, बिच आई एम गांजा के दुल्लू कोई बैक अप, मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैक अप, इन्हें चाहिए बेटा कोटर वैसे, इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे, अपन को मालूम है अपन कहां पर है, इसलिए तो भाई तेरा चुप है, अपन है धूप ये सारे परछाई, गांड में नहीं दम इसके बेटे को भाई, लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए, क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई। सही है, मैंने अभी 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 मैंने एक बोला था कि अभी बोला बोला था चुप है, इसलिए ये बोलते ही जा रहे, कॉन्ट्रोवर्सी करते ही जाते इनके मुंह पे, ये नाम ही होता ऐसा होता है, मतलब सबके साथ होता है, बोला था वीडियो में कि वो वाली वाइब आती है, समझ में आया क्या, पर एमबीबी की वीडियोस में गालियां नहीं होती थी, मतलब ना की बराबर गालियां होती थी, पर इसका क्या कहना है, क्या कहूँ मैं, इतना ज्यादा एग्रेसिव, ऐसा लगता है यहाँ तक बंदा भरा पड़ा हुआ है। अभी ये जी ये लड़के वाली गाली थी वो किसके लिए थी, किसके लिए थी, भेजा बेब, एक तो कृष्णा एक या तो रफ्तार, दोनों में से किसको है वो अब मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता चला, अभी भी नहीं पता चला। चिनाल को डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो, मुंह फाड़ने गुल्ला हराया था, बुल्ला चुसाया था, उसका जवाब दो, हलक ने हलक तक दिया था, फिर भी चिनाल ने जवाब नहीं दिया था, मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से, हाँ 15 साल गांड मराया, व्यू से आया क्या, जिस गाने में बंटा का लंड जवाया, वो गाना मचाया ना, मचाएंगे ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुलफा कराएंगे, दारा में एंटोपल रस्ते में घूमे ले डेरेंगे, मुंबई का तू बेटा मुंह में ले आ रहे ले जा रहे ले, मुंबई की बोली छिड़ा रहे ले, तेरे को सुधारेंगे कसम से बच्ची, मैं समंदर साथ तू बटर का मच्छी, पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच, सफर शुरू मेरी दुकान, मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान, पिंकी है पसंद पर, लेकिन क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या हो रहा, मतलब ना ऐसे लगता है सीधा सीधा मुंह से मर्डर हो रही है यहाँ पे, मतलब किल वाला एकदम भाई पे, बहुत 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 ही अलग है। मुझे मेरा ध्यान एमबीपे के ऊपर और उसके वीडियो के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा है, मतलब इतना है ना कि आगे क्या होने वाला, आगे गाली होने वाली है या फिर क्या कहने वाला है, वो मेरे दिमाग में चल रहा है। ये अपना देश में बिग बॉस चलता है, बस कर बे केले पाओ, खुद तो आना भिंडी हो कहा नल्ले पाओ, केले पाओ क्या है ये, कौन सी गाली है, केले पाओ तो को भेजने लग, केले पाओ हिप हॉप की राखी, ये ट्रेलर है बहुत कुछ है बाकी, हिप की राखी बता कौन है सरकार, कैसा में मारा गांड फड़ी थी नचार, बीमार मेरा फ्लो बहुत करे इंतजार, चमिया आज नाचेगी नचाएंगे बार, तुम बचाएंगे लौड़े हम बचाएंगे चार, चुतियों के लौड़े अपन सीट पे बिहार, तेरे झुमके में नाचेगी यूपी बिहार, जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर, दूंगा बिगाड़ खट्टा जो खोदा था याद रहेगा बंटा ने छोदा था, तो पूरा लौड़े हमारे आ रहा क्यों मेरे पास कोटे के कौटे मराठी बसों के और कितना चूसेगा लन, हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मीठा मत बन, चल बालों में लौड़े तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा गुण नहीं होती, बस यही तक ही था वीडियो। सो यही तक ही था, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अलग, वो मतलब एक था ना कि डिस्ट्रैक आ रहा है डिस्ट्रैक हो रहा है, तो इतना ज्यादा अलग था कि क्या ही बताऊँ, इसमें इतनी ज्यादा गालियां भरी पड़ी थी, अगर एमए पे इसमें गालियां नहीं भी देता ना तो इसमें ऐसे ऐसे वर्ड आते ना वो गालियों से कुछ कम नहीं होते, होती है गालियों की, जो मराठी में मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ अपने वीडियोज में, उसमें लोग कहते कि तू ऐसी गालियां सुनती क्यों है, इस गाली वाली वीडियो क्यों सुनती है, लो अब तो ये हिंदी में आ गया, अब क्या कहना है तुम्हारा, ये तो अब पूरी दुनिया सुनेगी, हर एक बच्चा सुनेगा, तो क्या कहना है, ठीक है, पर अपने अपने लैंग्वेज में ना गाली थोड़ी सी अलग ही लगती है बहुत। मुझे तो लगता है 100% अभी ये वीडियो देखने के बाद जिनको भी डिस किया है, जिनको भी बीफ किया है, जो कुछ है सीन, उनके भी वीडियोस जल्दी से आ जाएंगे, मजा आ गया। सो अभी पिक्चर तो अभी शुरू होगी है,
कल्चर तो अभी बाकी है, तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट वीडियो में किस पर बनाऊँ। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।